क्या आप लोगों ने कभी जिंदगी में उल्टा पेड़ देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देखो। जो एशिया में बने सारे गोल्फ कोर्सेज है ना, उनसे ऊंची जगह पे बना हुआ है। कितने लोग वहाँ पे विजिट कर चुके होंगे, कितने नहीं किए हैं जरूर कमेंट में बताइएगा, बट आज हम जा रहे हैं मैं और मेरी मॉम हमेशा की तरह। सो लेट्स गेट, एक्चुअली मैं रेडी हो चुका हूँ ऑलरेडी, बस निकलना है घर से। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि वहाँ पर एक उल्टा पेड़ है जो कि दादी बताएगी उल्टा पेड़ कौन सा उल्टा पेड़ है वहाँ पे। मैंने भी नहीं देखा है बट आज मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है? हाँ जी दादी, जा रहा हूँ। तो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ? मैं बता देती हूँ। बताइए उल्टा पेड़ कैसे है? देवता की लड़ाई हुई आपस में। अच्छा, उसने की चोरी देवता ने पार वाला देवता ने, और क्या नाम वो खुल गई नींद। देवता दूसरा था चौकीदार रखा हुआ। अच्छा, वो नींद में था सोया, उसे खुल गई नींद। तो नींद खुली फिर लगा पता की पेड़ ले गई थी, फिर वो पेड़ रास्ते में छूट गए उस। अच्छा हाँ, तब हुए, तब वहाँ पे उल्टा पेड़ पैदा हो गए, तब उल्टा पेड़ ही था मैं वहीं। अच्छा ओके, बार बार जाना तब। तो गाइस आप लोगों ने स्टोरी तो सुन ली, अब देखेंगे भी कि वहाँ पे है सच में कि नहीं, वो जाके पता लगेगा। तो बस अभी जाते हैं, बाद हम चलते हैं। ओ ये देखो कौन आया है, डूंगी, इसको खाने को दे देते हैं कुछ। वैसे देते हैं हम रोटी, रोटी खाएगी। और दादी हमारे यहाँ गाने सुन रही, कौन सा गाना चल रहा है दादी जी? पहाड़ी गाने यार, पहाड़ी गाने बिलासपुरी। हाँ, तो कैसे लगते हैं आपको बिलासपुरी गाने? ठीक ही लगते हैं। ठीक ही लगते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप बिलासपुर वाले लोगों को? अच्छे बिलासपुर वाले लोग, बहुत बढ़िया। लेकिन हम जा रहे हैं आज बन्नो में, आई डोंट नो क्या बोलूं अभी से, कोई निकनेम दो गाइस। ओके डैड बाय बाय। ओके, हम भी सीट बेल्ट पहन लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, बाकी सब सेकंड। मेरे डैड, वो मेरी दादी बैठी हैं, मेरा घर, घर से हम निकल चुके हैं। मेरी मामी ड्राइविंग कर रही है हमेशा की तरह। हमने क्रॉस किया है बल्देया, पर हाँ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा शिव भगवान की एक ऐसी स्टैचू जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी, जो नेचुरली बनी है वहाँ पर। वो मंदिर यहीं पे है, महादेव जी का मंदिर, देवनाथ जी का वो मंदिर। तो अब महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव, भगवान की है वो स्टैचू, नेचुरली बनी है महादेव जी की। सो महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और हम निकलेंगे नालदेहरा के लिए। ये है नालदेहरा के खूबसूरत रास्ते। सो गाइस मैंने तो कभी देखा नहीं है कि उल्टा पेड़ है भी कि नहीं, बट मेरी दादी जी कह रहे थे और कई बुजुर्ग भी कहते हैं कि उल्टा पेड़ था वहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं नालदेहरा गोल्फ कोर्स के पास, हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम निकलेंगे गाड़ी से बाहर और फिर चलेंगे। तो ये है एंट्रेंस नालदेहरा गोल्फ कोर्स की। थैंक यू, लोकल की टिकट नहीं लगती है यहाँ पे, बट आप टूरिस्ट बन के आओगे तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। ओनली 10 rupees, विच इज़ नॉट मच, क्योंकि इसकी खूबसूरती के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। लोग आजकल शहरों से ज़्यादा ये नेचर ढूंढते हैं, क्योंकि शहर तो हर जगह है, आप कहीं भी निकल जाओगे तो। यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है एज यू ऑल कैन सी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनिमल्स भी होंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी बहुत होंगे इस जंगल में। जय बजरंगबली। सो गाइस यहाँ पे सारे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड टू क्लब मेंबर्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लब मेंबर्स एंटर कर सकते हैं, जिनने यहाँ की मेंबरशिप वगैरह जो भी रहता होगा। आई डोंट इवन नो कि क्या मेंबरशिप प्लान एंड ऑल होता होगा इनका, बट जो भी होगा तो सिर्फ मेंबर्स एंटर कर सकते हैं। इसको ना लॉर्ड कर्जन ने ना 1905 में बनाया था। ओके, तो गाइस मेरी मॉम को बहुत नॉलेज है इसके बारे में। सो लॉर्ड कर्जन ने, ब्रिटिश रूलर लॉर्ड कर्जन ने इसको, जो शायद वॉइसरॉय था इंडिया का उस टाइम पे, तो उस वक्त उसने ये बनवाया था अपने ऐशो आराम के लिए, मेरे ख्याल से अपनी रॉयल लाइफ जीने के लिए। 1905 में इसको बनाया गया है। जो एशिया में बने सारे गोल्फ कोर्सेज है ना, उनमें से सबसे ऊंची जगह पे बना हुआ है ये। ओके, तो ये सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है पूरे एशिया का, as you can see here, काफी सही व्यू है वैसे यहाँ से गाइस। तो गाइस ये पता नहीं क्या कर रहा है, कौन सा योगा कर रहा है गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे पिकनिक मनाना आना चाहते हो तो फिर आ सकते हो, यू कैन हैव फन विद योर फैमिली, एंजॉय विद योर फैमिली, बट जो भी है कि थोड़ा गंदगी का ध्यान रखें, किसी ने गंदगी फैलाई हुई है
आई डोंट नो कौन होगा जिसने भी ये फ्लाई है, इसको उठा देते हैं और फेंक देते हैं। तो जिप लाइनर है गाइस, तो इसके लिए तो एक स्पेशल बंदा चाहिए होता है जो आपको जिप लाइन करवाए, तो आज तो ये नहीं हो पाएगा। बट ये कोई नहीं, हम आप लोगों को कुफरी वाले ब्लॉग में ये करके दिखाएंगे। क्यों मॉम? हाँ, जब हम कुफरी चलेंगे ना वहाँ पे और भी बड़े बड़े हैं, बहुत लंबे लंबे जिप लाइनर हैं, वहाँ दिखा देंगे। एंड ये भी बड़े ही रिस्की से लग रहे हैं, तो मैं इस पर नहीं जाने वाला। मुझे यहाँ पे मिला है एक क्या दो जो जुड़वा पेड़ है, ये देखो कैसे जुड़े हुए गाइस, इनकी जड़ें सेम हैं बट ये ऊपर से दो अलग अलग पेड़ हैं। किसी से पता भी करते कि उल्टा पेड़ है अब कि नहीं है। जो भी जंगल है ये, यहाँ तो पूरे पूरे भरे सीधे पेड़ है लगे जो भी दिख रहे हैं हमारे को, इस पर कोई उल्टा पेड़ नहीं है इसमें। हाँ बट हाँ, जुड़वा पेड़ भी थे पीछे, वो देखो ये सॉरी ये वाला। मुझे मिला है लवर्स पॉइंट, जो कि किसी लवर ने बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। आई डोंट नो किसने बनाया होगा ये ऐसा दिल, तो फिर भी इसको दिल है। पेड़ पे दिल बनाना पड़ गया। ओके इसका जख्मी दिल भी है, तो लगता है यहाँ पे लोग अपने दिल की दास्तां सुनाने आते हैं इस जंगलों में। क्या बात है गाइस, इतने डिप्रेस्ड हो क्या सब लोग? जख्मी दिल, ओ माय गॉड। हम आ चुके हैं बाहर नालदेरा गोल्फ कोर्स से, नाउ वी आर क्रॉसिंग दिस रोड, और यहाँ अपनी गड्डी, तो चलते हैं और बैठते हैं गड्डी में। एंड मॉम आज थोड़ी नाराज़ है क्योंकि मैंने उनकी वीडियो कम शूट की है, बट कोई नहीं, और वीडियो शूट कर लेंगे हम किसी और दिन मॉम के साथ। और हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को नालदेरा कैसा लगा बताना। और अभी हम जाएंगे और पिज़्ज़ा बनाएंगे गाइस, सो पिज़्ज़ा की हमने सामग्रियाँ ले ली है ऑलरेडी, मोज़रेला चीज़ एंड ऑल, तो मैं मॉम के साथ पिज़्ज़ा बनाऊंगा। सो गाइस अब हम बनाएंगे मॉम के साथ पिज़्ज़ा, आ जाओ मॉम। पिज़्ज़ा बनाना हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, सो मॉम को भी काफ़ी टाइम बाद। मॉम कितने टाइम बाद बना रहे हो आप? तो ऐसे इस पे ऑयल डाल रही हैं पहले मॉम, फिर इस पे इस बेस को रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ताकि और रोस्ट हो जाएगा, थोड़ी सब्जी बनाऊंगी इसमें थोड़ा तेल डाल के। सो अब बारी है इन सब्जियों को थोड़ा सा कुक करने की, जिससे इनका फ्लेवर और अच्छा आएगा पिज़्ज़ा में। थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर इसको पिज़्ज़ा के बेस पे सेट कर देंगे। पिज़्ज़ा का सामग्री और सब कुछ तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर डल चुका है, और अब मॉम इसको माइक्रोवेव के ओवन में डालने वाली है। मॉम शुभ काम में देरी क्यों, और ये कुक हो रहा है 600 वाट पे, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा अंदर। तो दादी आप एक्साइटेड हो पिज़्ज़ा खाने के लिए? हाँ। खाना चाहोगे आप? हाँ चाहूंगी। ठीक है दादी, आपको भी खिलाया जाएगा पिज़्ज़ा पक्का। बिल्कुल फाइनली रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा, ये देखो सारा मोज़रेला फैल चुका है इसके ऊपर। निकल रहा है हमारा मास्टर शेफ का पिज़्ज़ा गरमा गरम। मॉम आपके चेहरे पे छोटा सा पीस है हमारी दादी जी के लिए, इतना सा, इतने बड़े पिज़्ज़ा में से इतना सा खाएगी दादी हमारी। कैसा है दादी जी? ओके रिपोर्ट, ओके खाओ। मंडे टेस्ट कर देते, टेस्टी बना है? टेस्टी ओके, सीख गया ना? बिल्कुल। आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है तो आइएगा हमारे होम स्टे में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल्फ मेड पिज़्ज़ा हमारे हाथों का। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन आए जब भी मैं ब्लॉग या वीडियो अपलोड करूँ। सो एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा पिछला ब्लॉग देखना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर क्लिक करिए एंड जाके देखिए, एंजॉय करिए मेरा लास्ट ब्लॉग।